ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के त्रयोदशी संस्कार खास रहने वाला है। बाबूजी का त्रयोदशी संस्कार 1 सितंबर को यूपी के अलीगढ़ में अतरौली के KMV इंटर कॉलेज में आयोजित होगा। ऐतिहासिक आयोजन में बाबूजी को श्रद्धांजलि देने और भोजन प्रसादी में प्रदेश और केंद्र सरकार के मंत्रियों, भाजपा संघ के दिग्गजों के साथ ही आसपास के जिलों की जनता भी पहुंचेगी। बाबूजी की त्रयोदशी संस्कार में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग जीमेंगे। इसकी तैयारी के लिए 1400 कारीगर भोजन तैयार कर रहे हैं। रविवार को 700 कारीगरों के साथ राजस्थानी बूंदी लड्डू बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। कल्याण सिंह के सांसद पुत्र राजवीर सिंह और उनके परिवार ने आयोजन को लेकर पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की पालना कैसे होगी इसका किसी के पास जवाब नहीं है। त्रयोदशी संस्कार में जीमने वाले लोगों को खाने को मिलेगा पूरी, कचौड़ी, बूंदी रायता, मटर पनीर, आलू लटपटे, काशीफल कद्दू, खट्टा और मीठा, छोले, मटर पुलाव और राजस्थानी बूंदी लड्डू। राजस्थानी फेमस देसी घी से बने बूंदी लड्डू बनाने के लिए राजस्थान से कारीगर गए हैं। बाबूजी कल्याण सिंह की त्रयोदशी संस्कार की KMV इंटर कॉलेज में खास इंतजाम किए गए हैं। VVIP मेहमानों के लिए जर्मन हैंगर टेंट लगाने का काम जोरों पर जारी है। क्षेत्रीय जनता के लिए रामघाट रोड की ओर से प्रवेश रहेगा। यहां छोटे बड़े 4 पांडाल लगाए गए हैं। कॉलेज रोड की ओर से VVIP के पहुंचने की व्यवस्था है। छोटे मैदान में लगाए जा रहे टेंट में VVIP अतिथियों के लिए खाना, स्टेज तथा 3 स्विच कॉटेज बनाए गए हैं। खाने की जिम्मेदारी अलीगढ़ के कैटर्स को सौंपी गई है। कैटर्स पवन वार्षणेय के अनुसार 1400 कारीगरों के साथ व्यंजन बनाने का काम जारी है। हलवाई, पूरी बेलने वाली महिलाएं, वेटर, यूटी और सर्विस में 1400 लोग काम पर रहेंगे। अलीगढ़ के साथ मथुरा, आगरा और दिल्ली से कारीगर बुलाए गए हैं। सभी का ड्रेस कोड और काम तय है। बुफे सिस्टम में भोजन स्टील के बर्तनों में होगा। पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का त्रयोदशी संस्कार KMV कॉलेज में होगा। इस रोड पर जल भराव के कारण गहरे गड्ढे हो गए थे। इसी रोड पर VVIP का आगमन होगा। इसके लिए कॉलेज रोड पर सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। नगरपालिका के अधिकारी युद्ध स्तर पर सड़क का निर्माण कराने में जुटे हैं। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी सड़कों पर पैच वर्क चल रहा है। पिलखुनी में 2 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। बाबूजी के त्रयोदशी संस्कार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय व प्रदेश के मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके लिए गांव पिलखुनी के समीप लोक निर्माण विभाग की ओर से 2 हेलीपैड तैयार कराए गए हैं। यहां से तमाम दिग्गज कारों से भी पहुंचेंगे। धनीपुर हवाई पट्टी से अतरौली तक रामघाट रोड की सफाई के लिए अतरौली, लोधा, गंगेरी व बिजोली ब्लॉक के सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं। नगर निगम व नगर पालिका के सफाई कर्मचारी भी सफाई करने में जुटे हैं। कार्यक्रम स्थल पर 100 से अधिक CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। इससे चप्पे चप्पे की हर गतिविधि पर नजर रहेगी। इसका कंट्रोल रूम KMV के अलावा अलीगढ़ में भी रहेगा। 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटे पर कोविड गाइडलाइन का पालन कैसे हो, इस पर सरकार, प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौन हैं। कार्यक्रम की अनुमति को लेकर प्रशासन भी पशुपेश में है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत प्रदेश में सामाजिक समारोह में 100 लोगों के जुटने की अनुमति है। स्थानीय लोगों का कहना है कि त्रयोदशी संस्कार के बहाने सांसद राजवीर और BJP के लिए अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का अवसर है। ऐसे में आयोजन में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, उत्तर प्रदेश। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।